ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि अगर हम चुन करके आएंगे महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमरीका गए और रोने लगे ओबामा। पाकिस्तान की सेना हमारे देश के जवानों पर गोलियां चलाए और आपकी सरकार बिरयानी का भोजन करे। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये निर्मल बाबा कहते हैं कि जरा रसगुल्ले खाओ कृपा हो जाएगी, थोड़े रसगुल्ले बांटो कृपा हो जाएगी। ये निर्मल बाबा की दिल्ली की सरकार भी कहती है कि हमारी सरकार बना दो महंगाई चली जाएगी। ये कहा था ना, दिल्ली में उनकी सरकार बनाओ 100 दिन में महंगाई जाएगी, ऐसा कहा था ना? दिल्ली में उनकी सरकार बनाओ महंगाई 100 दिन में जाएगी, ये कहा था? जैसे निर्मल बाबा कहता है वैसे ही कहा था ना? गई भाई, निर्मल बाबा के खिलाफ तो केस चल रहा है। मैं जनता की अदालत में इस दिल्ली की निर्मल बाबा वाली ये सरकार के खिलाफ देश दर्ज कराने आया हूं भाई। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, देश की गृहिणी शाम को चूल्हा कैसे जले इसलिए दिन भर चिंता करती रहती है। विकास की इस हालत को हमने भली भांति देखा है और उसका जवाब
कांग्रेस की सरकार नहीं दे पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं दे पा रहे हैं। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।